तो एक प्राचीन कथा के अनुसार कहा जाता है कि तोरण नाम का एक राक्षस था जो शादी के समय दुल्हन के घर के द्वार पर तोते के रूप में बैठ जाया करता था। तोते का रूप धारण कर लेता और दुल्हन के घर के मुख्य द्वार पर बैठ जाया करता था। जब दूल्हा द्वार पर आता तो वो राक्षस दूल्हे के शरीर में प्रवेश कर जाता था और दुल्हन से स्वयं शादी रचाकर उसे परेशान करता था। एक बार की बात है, एक साहसी और चतुर राजकुमार की शादी तय हुई। शादी के समय जब वो दुल्हन के घर में प्रवेश कर रहा था तो उस राजकुमार में कुछ दैवीय शक्तियां थी, तो अचानक उसकी नजर उस राक्षसी तोते पर पड़ी। वो तुरंत समझ गया कि ये राक्षस है और उसने तुरंत तलवार निकाली और उसे मार गिराया और फिर शादी संपन्न हुई। बताया जाता है कि उसी दिन से तोरण मारने की परंपरा शुरू हुई। आपने कभी गौर किया है, आपको पता लगेगा कि इस रस्म में दुल्हन के घर के दरवाजे पर लकड़ी का तोरण लगाया जाता है जिस पर एक तोता लगाया जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ठीक से तोरण को देखिए, तोरण पर तोता जरूर बिठाया जाता है। तो लकड़ी से तोरण बनाया जाता है और उस पर एक राक्षस का प्रतीक तोता बिठाया जाता है और बगल में दोनों तरफ छोटे तोते बिठाए जाते हैं। दूल्हा जब शादी के समय वधू के मुख्य द्वार पर आता है तो तलवार से उस लकड़ी के बने राक्षस रूपी तोते को मारने की रस्म पूर्ण करता है। गांवों में तोरण का निर्माण खाती के द्वारा किया जाता है, लेकिन आजकल बाजार में सुंदर सुंदर तोरण मिलने लगे हैं। कुछ तोरण तो चाइनीज तोरण है जिस पर गणेश जी और स्वास्तिक जैसे धार्मिक चिन्ह अंकित किए होते हैं। और फिर क्या होता है, दूल्हा बिगड़ जानकारी के उन पर तलवार से वार करता है, तोरण मारने की रस्म पूर्ण करता है, लेकिन जानकारी नहीं होती है और वो गणेश जी और स्वास्तिक जैसे पवित्र चिन्हों पर अपनी तलवार चलाता है। शास्त्रों के अनुसार तोरण पर तोते का स्वरूप ही होना चाहिए, दूसरा कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए, लेकिन इन दिनों तोते की जगह तोरण पर गणेश जी या अन्य धार्मिक चिन्ह अंकित कर दिए जाते हैं। दूल्हा भी तोरण की जगह उन पर ही वार करता है। और कहते हैं कि भारतीय समाज में पति पत्नी के मध्य अनेक प्रकार के विवाद, तलाक बढ़ने के मामले के पीछे भी यही कारण है, तो विद्वानों को भी इस बात को समझकर प्रचारित प्रसारित करना चाहिए। एक तरफ हम शादी में गणेश पूजन करके उनको रिद्धि सिद्धि सहित शादी में पधारने का निमंत्रण देते हैं और दूसरी तरफ हम उन्हीं पर तलवार से वार कर उनका अपमान करते हैं, ये उचित नहीं है। तोरण की इस रस्म का ध्यान रखकर परंपरागत तोरण को ही लगाया जाना चाहिए, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग जानते ही नहीं हैं, क्या करें। जानकारी के अभाव में जो तोरण बाजार में मिल जाता है वही ले आते हैं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस बार जब भी किसी की शादी हो और यदि आपकी नज़र इस प्रकार के तोरण पर पड़े तो उसे समझाइए, और हो सके तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि आप हिंदू हैं, हिंदू धर्म को, हिंदू परंपराओं को जिंदा रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से